हाय गाइस, मैं हूँ अमृताम और आज मैं मूवी लेके आई हूँ जॉनी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आई एम प्रीटी श्योर बचपन में हम सब ने ये मूवी देखी है, बट अनफॉर्चुनेटली समझ में नहीं आई थी उस टाइम पे, राइट? ये मूवी साइंस फिक्शन और फैंटेसी का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। कहानी की शुरुआत होती है तब हम मूवी के प्रोटैगनिस्ट ट्रेवस को देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। वोल्केनो, उसकी एक्टिविटी, अर्थ, उसका कोर, इन सारे टॉपिक्स में उन्होंने मेजर्स किया हुआ था। ट्रेवस का एक भाई भी था मैक्स, वो खुद भी एक साइंटिस्ट था और अर्थ के कोर पे वो रिसर्च कर रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 साल पहले ही वो अचानक से गायब हुआ था। लेकिन उसकी जो स्टडीज थी, उसकी लैब थी, वो आज भी यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर काम चल रहा था। लेकिन ट्रेवस को अचानक से पता चलता है कि उसके भाई की जो रिसर्च लैब है वो भी बंद करवाने वाले हैं, क्योंकि वो रिसर्च जारी रखने के लिए इनफ फंडिंग नहीं मिल रही है। इसके कारण ट्रेवस काफी उदास हो जाता है और वो घर आता है। तभी अचानक से वॉइसमेल चेक करते वक्त उसे याद आता है कि उसका भतीजा यानी मैक्स का बेटा शॉन उसके घर पे आके रहने वाला है अगले 10 दिनों के लिए। अब ट्रेवस अपना बिखरा हुआ घर संवारने लगता है, लेकिन तब तक शॉन की माँ आके उसे उसके घर पे छोड़ जाती है और उसके साथ साथ वो मैक्स का एक रिसर्च की जो स्टडीज थी उसका एक बॉक्स भी ट्रेवस को दे देती है। अब हम शॉन को देखते हैं, लेकिन ट्रेवस का ध्यान पूरी तरह मैक्स के उस बॉक्स पे था और उस बॉक्स में उसे एक साइंस फिक्शन किताब मिलती है जिसका नाम था जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जूल्स वर्न ने इन्होंने ये किताब लिखी हुई थी। इस किताब के मुताबिक जो अपने वोल्केनो माउंटेन्स रहते हैं ना, उनके अंदर जो ट्यूब रहती है, अगर हम उस पैसेज से अंदर चले गए तो सीधा धरती के कोर तक पहुंच सकते हैं, जहां पे एक अलग दुनिया है। और किताब में ये चीजें लिखी हुई थी, लेकिन ये काल्पनिक किताब थी। लेकिन फिर भी मैक्स जब ये स्टडी कर रहा था तब उस बुक में उसने कुछ कोऑर्डिनेट्स एंड नोट्स लिखे हुए थे अपने गायब होने से पहले। ये कोऑर्डिनेट्स हवाई, मंगोलिया और बोलिविया, इन देशों के मेन वोल्केनो के कोऑर्डिनेट्स थे। अब ट्रेवस खुद भी इस सब्जेक्ट में स्टडी कर रहा था तो उसे अचानक से कुछ क्लिक होता है कि, और वो शॉन को लेके उसी वक्त रात को लैब में चला जाता है और वो अर्थ के सेस्मिक इवेंट्स यानी धरती की कोर, उसकी हलचल, उस हलचल के कारण होने वाले परिणाम वो स्टडी करने लगता है। तभी ट्रेवस को एक बात पता चलती है कि मैक्स ने हवाई, मंगोलिया और बोलिविया, इन तीन जगह के वेदर कंडीशन को इस नोटबुक में लिखा हुआ था वो कंडीशन। और आज के इन तीनों जगह के जो वेदर कंडीशंस है वो बिल्कुल सेम है। और तो और 10 साल पहले इन्हीं दिनों मैक्स अचानक से गायब हुआ था, यानी उसके हाथ में कुछ तो अजीब चीज लगी थी। लेकिन तभी स्क्रीन पे इन तीन जगह के अलावा और एक जगह का लोकेशन दिखने लगता है और वो जगह थी आइसलैंड। और आइसलैंड के एक वोल्केनो के वेदर कंडीशन भी इन तीन देशों के जो बाकी के वोल्केनो है उनसे मैच होने लगती है। वोल्केनो माउंटेन के आसपास ऐसा वेदर हर रोज नहीं बल्कि 10 साल में एक बार होता था। यानी शायद आइसलैंड ही मैक्स के खोज का एक मेन पॉइंट था। शायद यही पे वोल्केनिक ट्यूब होने की आशंका थी जो धरती के कोर की दुनिया तक इंसानों को पहुंचा सकती है। शायद मैक्स 10 साल पहले इसी लोकेशन पे गया था, वो शायद कहीं ना कहीं खो गया होगा। अब अपने खोए हुए भाई की तलाश में ट्रेवर यही सोचता है कि शायद उसे भी आइसलैंड जाना चाहिए। अब ये सुनते ही शॉन भी उसके पीछे लगता है कि मुझे भी साथ ले चलो। इन दोनों में काफी बहस हो जाती है, लेकिन आखिरी में ना चाहते हुए भी ट्रेवर उसे लेके जाता है। आगे उस बुक में एक प्रोफेसर का नाम लिखा हुआ उसे मिलता है जो खुद भी वोल्केनिस्ट थे और उसे साइंस फिक्शन जर्नी टू द कोर ऑफ द अर्थ इस किताब के बहुत बड़े फैन थे। धरती के कोर में अलग दुनिया है ये साबित करने के लिए उन्होंने एक अलग इंस्टीट्यूट भी खोली थी। ट्रेवस को लगता है कि मैक्स पहले इसी इंस्टीट्यूट में गया होगा, इसीलिए वो फ्लाइट से उतरने के बाद उसी जगह जाने के लिए निकलता है। ऑलमोस्ट आधा दिन ट्रेवल करने के बाद रात में उन्हें वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं मिलती, लेकिन एक सुनसान जगह पे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वो दोनों भी वहाँ पे जाते हैं ये सोच के कि प्रोफेसर मिलेंगे, लेकिन एक लड़की हैना दरवाजा खोलती है जो कि उन्हें बताती है कि वो प्रोफेसर की बेटी है और प्रोफेसर की 3 सालों पहले ही डेथ हो गई थी। हैना उन्हें आगे बताती है कि इनकी जो रिसर्च थी या फिर जो किताब है वो बस एक काल्पनिक थी। मेरे पिता और उनके ग्रुप के कुछ दोस्त सच में ये समझते थे कि पृथ्वी के नीचे कोई अलग दुनिया है और उसी में उन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया और ये पूरी इंस्टीट्यूट बंद करनी पड़ी। और तो और मैक्स के बारे में भी उसे कुछ पता नहीं था। अब ये सुनते ट्रेवस निराश हो जाता है कि मैक्स फिर गायब कहां हुआ अगर ये रिसर्च सच नहीं है तो। वो कहता है कि एटलीस्ट वहां जाकर मुझे ट्राई करना चाहिए, शायद उसे अपने भाई का कुछ पता चले। अब वहां जाने का रास्ता खराब होने के कारण हैना उन्हें एज अ गाइड के तौर पे मदद करने के लिए रेडी होती है। अब
अगले दिन वे लोग पहाड़ पे क्लाइंब करते हुए निकल जाते हैं। काफी ऊपर हाइकिंग के बाद उसे वो एक लोकेशन मिलता है जहाँ पे एंटीना रखे हुए थे, वो फोर्थ लोकेशन था। अब ट्रेवस वहाँ के एंटीना निकालने के लिए लगता है और अचानक से वेदर मानो खराब ही हो जाता है। काफी ज्यादा लाइटनिंग होने लगती है, गड़गड़ाहट होने लगती है, काले बादल छा जाते हैं। अब ये लोग छुपने के लिए सामने की एक गुफा में चले जाते हैं, लेकिन ट्रेवस के हाथ में एंटीना था और उसी के हाथ पे वो बिजली गिरती है, जिसके कारण ये लोग गुफा में छुपने के बाद पत्थर गिरने के कारण गुफा बंद हो जाती है। और वैसे रिमोट लोकेशन पे थे, ना ही तो फोन का सिग्नल आ रहा था, ना ही कुछ सैटेलाइट फोन था। शॉन पैनिक होने लगता है, लेकिन हैना उसे शांत करती है और कहती है कि यहाँ पास में ही एक अबैंडन माइन थी, शायद हमें इस गुफा से माइन का रास्ता मिल सकता है, हमें गुफा के अंदर जाना चाहिए। और ये लोग देखते ही देखते गुफा के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन काफी आगे बढ़ने के बाद अचानक से सामने उन्हें बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, मतलब बहुत बड़ा पैसेज था जो नीचे जा रहा था। हैना उन्हें बताती है कि वो माइन नीचे ही थी, हमें नीचे क्लाइंब करके जाना हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भरोसा करते वक्त वे लोग धीरे धीरे क्लाइंब करते हुए नीचे चले जाते हैं। अब वहाँ से नीचे जाने के बाद उन्हें आगे एक जनरेटर दिखाई देता है, जैसे ही हैना उसे ऑन करती है सामने ही पूरे माइन का सेटअप मिलता है। वहाँ पे काफी सारे ट्रैक्स भी थे और उनकी कार्स भी रखी हुई थी। अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था, उन्हें उस ट्रॉली कार का यूज करते हुए ही उन ट्रैक से आगे बढ़ना था। इसीलिए काफी कंफ्यूज माइंड से ये तीनों भी उस ट्रॉली कार पे बैठते हैं और हैना उस ट्रॉली को चलाने लगती है। बहुत ही खतरनाक रोलर कोस्टर राइड होती है इनकी। एक जगह पे तो वो ट्रैक ही गायब हुए थे, लेकिन हैना इतने जोर से उसे एक्सेलरेट करती है कि वो कार सीधा दूसरे नोक पे आ गिरती है और देखते देखते तीनों के भी कंपार्टमेंट अलग हो जाते हैं और आखिरी में हैना और ट्रेविस इन लोगों की जो कार रहती है वो क्रैश हो जाती है, लेकिन थैंकफुली दोनों भी बच जाते हैं। आखिरी में शॉन आके उनसे मिलता है। अब जहाँ पे इनकी ट्रॉली क्रैश हुई रहती है वहीं पे अंदर एक दूसरी जगह थी। शॉन अंदर चला जाता है और वो देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उस दीवार के आसपास हर जगह पे काफी सारे डायमंड्स थे। और तभी ट्रेवस को रियलाइज होता है कि वे लोग उसी वोल्केनो ट्यूब के अंदर है, यानी जहाँ से वोल्केनो इरप्ट होता है वो जो पैसेज रहता है ये वही पैसेज था। इसे वोल्केनिक ट्यूब कहते हैं और इस ट्यूब में जब हम अर्थ के क्लोज रहते हैं तब आसपास डायमंड्स फॉर्म होते हैं। ये उसी का साइन था कि ये लोग कोर से नजदीक जा रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें रियलाइज होता है कि जिस सरफेस पे ये लोग खड़े हैं वो बहुत ही कमजोर हैं और ये लोग ऊपर जाने के बजाय और भी नीचे जा सकते हैं। रियलाइज होने के बाद ये तीनों भी एक जगह पे ही खड़े हो जाते हैं, लेकिन शॉन ने काफी सारे डायमंड्स इकट्ठा किए थे और उनमें से एक डायमंड नीचे गिर जाता है और ये सरफेस पूरा टूटने लगता है और ये तीनों भी मानो नीचे गिरने लगते हैं, मानो कोई अंत ही नहीं था। यही वो वोल्केनिक ट्यूब थी जिसके बारे में ट्रेवस कह रहा था और उस बुक में भी लिखा हुआ था। गिरते हुए ट्रेवस से ये लोग थेरी पूछते हैं कि उस बुक में आगे क्या लिखा हुआ है, बताओ। वो कहता है कि जैसे ही हम धरती के कोर के नजदीक आएंगे हमें पानी की बूंदें उड़ती हुई दिखाई देंगी, लेकिन उन्हें कुछ भी रियलाइज नहीं होता, ये लोग बस गिरते ही जाते हैं। काफी देर के बाद इन्हें कुछ बूंदें फील होने लगती है, धीरे धीरे पानी इनके आसपास जमा हो जाता है और अचानक से ये तालाब में तीनों भी गिर जाते हैं। तालाब से ऊपर आने के बाद फाइनली इनका सामना एक अनोखे दुनिया से होता है। उन्हें सामने ही ल्यूमिनेटिंग बर्ड्स दिखाई देते हैं, इतने खूबसूरत बर्ड्स थे वो। उनमें से एक बर्ड जाके शॉन के आसपास खेलने लगता है। ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं एक खूबसूरत झरना था, एक तालाब था, काफी सारे अलग अलग चीजें थी। दोस्तों ये सारी चीजें उस किताब में लिखी हुई थी, इनफैक्ट पेड़ कैसा दिखेगा ये इसका ड्रॉइंग भी था, यानी हैना के पिता मैक्स ये जो भी सोचते थे वो सब कुछ सच था। अब थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है। उन्हें सामान को देख के लगता है शायद ये सालों पुराना किसी और का सामान है, लेकिन वहाँ पे उन्हें एक जर्नल मिलती है जिसकी हैंडराइटिंग मैक्स से मिलती जुलती थी और उन्हें पता चल जाता है कि ये मैक्स की जर्नल है। तो यहाँ पे हैना को दूसरी तरफ मैक्स की डेड बॉडी मिलती है। ट्रेवस काफी भावुक हो जाता है, यानी जिस भाई को वो ढूंढने के लिए आया था वो यहाँ पे काफी सालों से बेचारा गुजर गया है। अब वे लोग मैक्स के शरीर को लेते हैं और उसके अंतिम संस्कार करते हैं। शॉन भी अपने पिता को ऐसे देख काफी इमोशनल हुआ था। ट्रेवस उसकी जर्नल के कुछ पन्ने शॉन को पढ़ के सुनाता है। वो खास शॉन के लिए ही मैक्स ने लिखा हुआ था। मैक्स ने कहा था कि वो यहाँ पे तो एक अद्भुत खोज करने के लिए आया था, लेकिन मानो अब मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार शायद मैं बाहर अकेले नहीं जा सकता। मैं अपनी जिंदगी किसी के साथ भी ट्रेड कर सकता हूँ, मुझे बस अपने बेटे के साथ जीना है, मुझे अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखना है। आज मेरे शॉन का तीसरा जन्मदिन है, बस मुझे एक बार उसे देखना है। ये उसके शॉन के लिए आखिरी शब्द थे और दोस्तों इसी के साथ शॉन मैक्स को अलविदा कहता है। अब आगे जर्नल पढ़ते हुए ट्रेवस को पता लगता है कि अब इनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। उसके बाद यहाँ का तापमान बहुत ही बढ़ेगा, उसके पहले उन्हें इस समुन्दर को पार करके उस साइड जाना होगा।
जहाँ पे एक गर्म पानी का उल्टा बहते हुए झरना है जो इतने जोरों से ऊपर की ओर उड़ता है शायद इन्हें धरती के सतह पे वो पहुँचा सकता है, लेकिन इन्हें समुद्र क्रॉस करना था। अब ये लोग कैसे तैसे एक बोट बनाने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ का तापमान बढ़ने लगा था, 100 तक पहुँच गया था। इन्हें बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है, लेकिन कैसे तैसे कुछ समय के बाद ये लोग बोट बनाते हैं एंड वहाँ से समुद्र से जाने लगते हैं। समुद्र में भी इन्हें काफी खतरनाक क्रीचर मिलते हैं, कुछ ऐसे तेज मछलियां थी जो इन्हें काटने के लिए दौड़ती हैं। कैसे तैसे ये लोग उनसे बच रहे थे, लेकिन तभी बहुत बड़ी एक मछली आती है और इन छोटे मछलियों को खाने लगती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण अचानक से तूफान भी आने लगता है जिसमें इनके बोट का जो पर्दा था वो उड़ने लगता है। शॉन उस पर्दे के दोनों हिस्सों को अपने हाथ से पकड़ने लगता है। ट्रेवस ये देख के उसे मना करता है कि प्लीज ऐसे मत करो, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई थी और शॉन उस पर्दे के साथ साथ खुद भी उड़ जाता है इस बोट से। अब उस बोट में ट्रेवस और हैना ये दोनों ही थे। थोड़ी देर के बाद शॉन को हम एक किनारे से उठते हुए देखते हैं। उसके आसपास वही पंछी था जो पहले उसके साथ खेल रहा था। वो उसे गाइड करने लगता है और एक जगह पे लेके जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद शॉन को काफी अजीब ही चीज दिखाई देती है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा थी, इसके कारण जितने भी पत्थर थे वो दरअसल मैग्नेटिक रॉक थे। मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये पत्थर हवा में ही तैर रहे थे। अब ये कैसे तैसे बचते हुए हर एक पत्थर पे काफी सावधानी से पैर रखते हुए उस तरफ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रेवस बहुत ही निराश था कि उसने भी अपने भतीजे को भी खो दिया है। वो और हैना एक किनारे पे पहुंचते हैं और आगे निकलने लगते हैं। तभी इनका सामना कार्निवोर उस प्लान से होता है और हैना और ट्रेवस को वो प्लान पकड़ लेता है, लेकिन ट्रेवस कैसे तैसे खुद को और हैना को उस प्लान से बचाता है। दोनों भी आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाने पर वे लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे गर्म पानी का वो झरना मिलने वाला था। अब बेचैन ट्रेवस को लग रहा था कि उसका भतीजा यहाँ पे शायद पहुंच गया होगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं था। वो हैना को कहता है कि मुझे अपने भतीजे को बचाना ही है और वो उसे वहीं पे रुकने के लिए कहता है। तो दूसरी जगह पे हम शॉन को देखते हैं और उसे डायनासोर का कंकाल मिलता है, लेकिन तभी अचानक से बहुत ही खतरनाक आवाज आने लगती है जिसे सुन के वो काफी डर जाता है और एक जगह पे छुप जाता है। लेकिन तभी उसी के ऊपर वो एक डायनासोर था और वो उसके पीछे लगने लगता है, उसे खाने के लिए दौड़ता है। ये देख के वो एक गुफा में छुपने चला जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है कि मुझे कोई बचाओ। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे ट्रेवस उसकी ये चीखें सुन लेता है। ट्रेवस उस गुफा के दूसरी तरफ था। ट्रेवस उस बीच की दीवार को तोड़ने लगता है और जैसे ही वो डायनासोर उसे खाने आने वाला था वो शॉन को खींच लेता है और दोनों भी वहां से भागने लगते हैं। अब डायनासोर इन दोनों के भी पीछे लगता है। तभी ट्रेवस एक जगह नोटिस करता है, साइड में वैसे ही कमजोर सतह थी। तो वो शॉन को अलग जाने के लिए कहता है और खुद उसी कमजोर सतह के ऊपर से दौड़ने लगता है। डायनासोर ट्रेवस के ही पीछे लग जाता है। देखते देखते वो सतह कमजोर हो जाती है और डायनासोर नीचे गिर जाता है। ट्रेवस को शॉन आके बचा लेता है। अब फाइनली दोनों भी नदी के यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हैना एक कंकाल का बोट बना के वहाँ पे लेके आती है। ये लोग जैसे ही बोट से आगे बढ़ते हैं लेकिन पानी सूख जाता है और देखते ही देखते इनकी बोट वापस नीचे गिर जाती है और एक होल के बीचों बीच आके ये लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब नीचे लावा था लेकिन आसपास पानी ना होने के कारण कोई भी स्टीम जनरेट नहीं हो रही थी, यानी शायद अब ये लोग यहाँ पे हमेशा के लिए ट्रैप थे। लेकिन हैना उसे कहती है कि आसपास की जो दीवार है वो गीली है, यानी पानी शायद उस साइड है दीवार के। तभी ट्रेवस नोटिस करता है कि ये सारी दीवार पे मैग्नीशियम लगा हुआ है और फ्लेयर से आसपास के रॉक्स को वो इग्नाइट करने की कोशिश करता है और फाइनली एक ब्लास्ट होता है जिसके कारण काफी सारा पानी आने लगता है और लावा में नीचे गिरता है। और उसके बाद बहुत ही बड़ी स्टीम की एक वेव आ जाती है जो कि इतनी पावरफुल थी कि ये गर्म पानी का जो झरना है स्टीम है प्रेशर के कारण उन्हें ऊपर ढकलने लगती है जैसे वोल्केनो इरप्ट होता है। इनकी बोट भी बहुत ही गर्म होने लगती है। देखते ही देखते इनकी हालत भी खराब होने लगती है, लेकिन ऊपर ही उन्हें एक होल से खुला आसमान दिखने लगता है और ये लोग खुश हो जाते हैं। और देखते ही देखते सीधा वोल्केनिक ट्यूब से ये लोग एक वोल्केनिक माउंटेन से इरप्ट हो जाते हैं, सीधा नीचे गिरने लगते हैं और उसके बाद एक घर में आके पूरा क्रैश लैंड कर जाते हैं। वे लोग दरअसल इटली में थे। यानी दोस्तों जो आइसलैंड है वो समुद्र के बीचों बीच का एक आइलैंड है। यूके फ्रांस इनको क्रॉस करते हुए नीचे से अर्थ के कोर से इटली आ पहुंचे थे। अब उस गरीब का घर टूट जाता है इसलिए वो रोने लगता है, लेकिन तभी शॉन एक डायमंड निकाल के उसे दे देता है। शॉन ने काफी सारे डायमंड्स कलेक्ट किए हुए थे। अब ये लोग वहां से वापस यूएस चले जाते हैं। इस पूरे जर्नी में हैना और फ्रेजर काफी करीब आए थे इसलिए हैना भी उसके साथ यूएस चली जाती है। वहां आने के बाद ट्रेवस अपनी और अपने भाई की जो लेबोरेटरी थी रिसर्च की उसे फंडिंग देके बरकरार रखता है। आखिरी दिन जब हैना और ट्रेवस शॉन को गुड बाय करने के लिए आते हैं तब हम देखते हैं शॉन के पॉकेट में वो पंछी था। उसने अपने बैग से
इस दुनिया में उसे लाया था। और आखिरी में वो मैक्स की अगली किताब उसे देता है, लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस, यानी मूवी का जो सीक्वल है उसी की वो कहानी है। और ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। काफी सुंदर मूवी थी, बट मुझे सीरियसली नहीं पता इस मूवी को सिर्फ IMDB 5.6 रेटिंग क्यों है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।